इन कयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर नया मोड़ ला दिया है कि वे बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देने को तैयार है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमारी पार्टी बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बिना शर्त बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में विकास के लिए स्थायी सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है। अशा परिस्थिति मध्ये आम्हाला असं वाटत आहे की महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार मिळो, प्रगतिशील सरकार मिळो आणि केंद्राबरोबर ज्या सरकारचा एक नाता असेल अशा सरकार मिळो। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने असा एक निर्णय केला आहे की आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा जे काही येणारा उद्याचा स्थापन होणारा सरकार जो असो त्याला बाहेरून आम्ही पाठिंबा देण्याचा आम्ही असा निर्धार केला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार द्यावं ही आमची अपेक्षा आहे। बीजेपी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पेशकश पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। बीजेपी ने औपचारिक रूप से अभी किसी भी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पेशकश बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी शिवसेना की रणनीति पर क्या असर डालेगी? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से क्या समर्थन लेने के लिए तैयार हो जाएगी।